मैं लखवे का रहने वाला हूँ, बिलासपुर से। मेरी वाइफ 6-7 साल से बीमार थी, उनके घुटनों में दर्द ज़्यादा रहता था। अब उनका ट्रीटमेंट जब से चला है उन्हें बहुत फायदा है। मेरा नाम ऊषा है, मैं लखवे की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी साल से धक्के खा रही थी, मेरे घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम, घुटने पूरे मेरे मुड़ गए थे, मैं चल भी नहीं पा रही थी। और एक साल पहले मैं अप्रैल को आई थी, 6-7 अप्रैल को मुझे डॉक्टर किरण सेठी के अंडर में मैंने दिया गया, फ्लेक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट एक साल पहले शुरू किया था। उषा करीब एक साल पहले मेरे पास आई थी ओपीडी में, क्योंकि उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि आपको घुटने टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। उस समय उसको वेरस डिफॉर्मिटी बन गई थी और उसके जोड़ों में जो ग्रीस ख़त्म हो रही थी और साथ में जो मिडिल कंपार्टमेंट था और लेटरल कंपार्टमेंट में भी ग्रीस की काफ़ी कमी थी। और आइडियली अगर देखा जाए तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में सर्जरी के लिए रेकमेंड किया जाता है, बट उसकी एज उस समय 45-46 ईयर्स थी एंड शी थॉट कि मुझे एक रूमेटोलॉजी कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए। और वो मेरे पास आई तो उसने बोला कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, डॉक्टर साहब आप मुझे अगर इसके साथ ही ठीक करें तो मैं मतलब वो करना चाहूँगी। सो देन व्हेन आई एग्जामिन्ड द पेशेंट, शी डेफिनेटली हैड वेरस डिफॉर्मिटी और मैंने उनको इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट एस्पिरेशन एंड विस्को सप्लीमेंटेशन सजेस्ट किया और साथ में उनको एक प्रोग्राम अलॉन्ग विद डाइट एंड एक्सरसाइज का भी एक प्रोग्राम सजेस्ट किया कि अगर तुम ये सब काम करती हो तो उषा हो सकता है कि साल भर में तुम्हारा घुटना काफ़ी बेटर हो जाए। और उन्होंने मेरे घुटने में जैसा मेरी जो प्रॉब्लम थी वो समझी और बताई कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक साल पहले जब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया मैं चलने भी लगी हूँ और आज फिर दोबारा से उन्होंने मेरे को यहाँ भर्ती किया है। आज मुझे मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरे घुटने पूरे मुड़ गए, पूरे मुड़े हुए थे। आज मेरे घुटने काफ़ी सीधे हो गए हैं और अब जो मेरे घुटनों में जो प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। पेशेंट ने मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से फॉलो किया एंड शी वॉज़ वेरी कंप्लायंट विद द ट्रीटमेंट। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से उन्होंने अपना एक पूरा डाइट प्लान लिया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं नेक्स्ट 3 महीने में अपना करीब 3 से 5 किलो वज़न कम करूँगी। तो उसने काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की, अपने मसल्स अराउंड द नी की और विद द मेडिकेशन विद द प्रॉपर दिस टाइम। एक साल के बाद वो जब मैंने दोबारा उसको बोला कि अब काफ़ी बेटर हो गया है एंड नाउ हम एक नेक्स्ट इंजेक्शन इसके अंदर करते हैं नी में, तो शी एग्रीड टू इट एंड दिस टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बिकॉज मैं इसलिए ये कहती हूँ कि मेरे जब से मैं मैडम के अंडर में आई हूँ मैं बहुत अपने आप को बहुत रिलैक्स, यहाँ का फ्लेक्स हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं।